नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पंचायत चुनाव में अफवाहों को रोकने के लिए खास प्लान के बारे में। बिहार पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा भले ही अभी तक नहीं हुई हो, मगर चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से ही जारी है। हालांकि चुनाव कोई भी हो, चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के सामने किसी भी तरह के चुनाव को सफलतापूर्वक करवाना किसी चुनौती से कम नहीं होती है। और आज का दौर तो सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में सोशल मीडिया जितना हर एक आम नागरिक के लिए सहायक है, तो उतना ही ये माहौल खराब करने का सामर्थ्य भी रखता है। क्योंकि आज के इस दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर कोई भी जानकारी साझा होती है तो इसे आग की तरह फैलने में समय नहीं लगता। सोशल मीडिया कभी कभी आग में घी डालने का काम भी करती है। खासकर कि माहौल चुनाव का हो तो अराजक तत्व अपनी हरकतों पर उतर ही आते हैं, और गलत जानकारी फैलाने का हुनर तो उनमें पहले से ही होता है। इन हुनरमंदों पर नकेल कसने के लिए और पंचायत चुनाव को सही ढंग से करवाने के लिए सोशल मीडिया पर निर्वाचन आयोग की खास नजर रहने वाली है। इसको लेकर बिहार पंचायत के दौरान सी प्लान पर काम करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को रोकने और गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित करने के लिए विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कम्युनिकेशन प्लान तैयार किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कम्युनिकेशन प्लान होता क्या है। कम्युनिकेशन यानी कि संचार, विचारों, संदेशों या सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से सूचना देने की गतिविधि है। जैसे कि भाषण, दृश्य, संकेत, लेखन या व्यवहार। अगर और आसान भाषा में समझे तो यह दो व्यक्तियों या समूह के बीच सूचना सार्थक आदान प्रदान है। वहीं अगर हम संचार योजना यानी कि कम्युनिकेशन प्लान की बात करें तो यह योजना हितधारकों को सूचना जानकारी प्रदान करने के लिए एक दृष्टिकोण है। इस योजना के तहत यह तय किया जाता है कि किसको विशिष्ट जानकारी देनी चाहिए, कब उस जानकारी को दिया जाना चाहिए और सूचना देने के लिए कौन से संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें, एक परिपूर्ण संचार योजना एक प्रभावी चुनाव प्रबंधन प्रणाली का अनिवार्य घटक है। यह चुनाव के सूक्ष्म प्रबंधन, समवर्ती ट्रैकिंग और मुद्दों और मध्य पाठ्यक्रम सुधार का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। अब आपको बताते हैं कि इस प्लान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कम्युनिकेशन प्लान धारणा प्रबंधन में मदद करता है और एक विशाल मनोवैज्ञानिक उपस्थिति बनाता है। यह जरूरत पड़ने पर किए जाने वाले इंटरवेंशन के लिए प्राथमिकता तय करता है। चूंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव न केवल एक अंतिम लक्ष्य है बल्कि अपने आप में एक प्रक्रिया भी है, प्रभावी सूचना प्रबंधन निर्वाचन प्रक्रिया को हर स्तर पर सक्रिय करती है। इस योजना के तहत सही व्यक्ति द्वारा सही स्थान से सही समय पर सही तरीके से सूचना प्राप्त करने या सूचना प्रदान करने के बारे में है। इसको लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी लगाए जाते हैं। इसको लेकर किशनगंज के बीडीओ परवेज आलम ने अपनी जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि जब भी चुनाव का आयोजन होता है अफवाहों का माहौल देखने को मिल जाता है। हालांकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ही बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को पत्र भेजकर कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में निर्वाचन एवं मतदान के सफल संचालन एवं अनुश्रवण के लिए प्रभावी कम्युनिकेशन प्लान की सख्त जरूरत है। इतना ही नहीं, इस बाबत जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी एवं बीच स्तरीय कम्युनिकेशन प्लान तैयार करने का निर्देश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने सभी बीडीओ को पत्र जारी कर बूथ स्तर पर कम्युनिकेशन प्लान तैयार करने का निर्देश दे दिया है। इसकी जानकारी देते हुए परवेज आलम ने बताया है कि आमतौर पर चुनाव के समय ही माहौल बिगड़ने की संभावना देखने को मिलती है, इसीलिए कम्युनिकेशन प्लान चुनाव के समय बेहद ही जरूरी है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार क्या पंचायत चुनाव के दौरान कम्युनिकेशन प्लान बनाए जाने से अफवाहों को रोकने में मदद मिलेगी या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।